कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब में वेलकम है। गाइस हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास सिक्स का, जो कि सीटेट केवीएस या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट का एग्जाम हो उसके लिए यूजफुल है। तो इसमें जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है शरीर में गति के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज का जो टॉपिक है वो बर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गाइस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर मतलब सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके। तो हम लोग आज के वीडियो में देखते हैं आज की क्लास में बर्ड्स के बारे में। पक्षी हवा में उड़ते हैं, तथा भूमि पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बत्तख तथा हंस, जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते हैं, हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते हैं पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं, क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, के लिए अनुकूलित होता है इसके बोन्स में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। आप बर्ड्स का चहचहाना सुन लिए होंगे, जिनके कारण अस्थियां हल्की होती है, इसका जो बोन्स होता है वो हल्का होता है, अस्थियां हल्की होती है, परंतु मजबूत होती है, फिर अगला पॉइंट है पश्चपाद पैर, जिसको बोलते हैं पश्चपाद पैर की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है, सुन सकते हैं, मेरे घर के पास में है बत्तख भी। अग्रपाद की अस्थियां अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर
रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनते हैं। पक्षी के क्या बन जाते हैं? वो पंख बन जाते हैं, पंख बन बनती है। फिर कंधे की अस्थियां, मजबूत होती है, उड़ने वाली पेशियां पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है, तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है, क्या है? पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर वह चलते भी हैं। बत्तख तथा हंस जैसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जो कि जल में वह तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके बोन्स में जो है क्या होता है, होल होता है, वायु प्रकोष्ठ होता है, जिनके कुछ कारण अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पशुपाल की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। पशुपाल उसका जो पिछला पैर होता है चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद, आप कहिएगा कि चिड़िया का तो दो ही पैर होता है, लेकिन आगे का पॉइंट देखिए, अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन जाते हैं। क्या होता है? वो पंख बन जाता है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से वो क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो जाता है। तथा पंखों को ऊपर नीचे में करने में वो क्या होता है, करता है, हेल्प करता है। तो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें। बर्ड का जो स्केलेटन देख सकते हैं, मैं कोशिश क्यों थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करने का, बट यहाँ पे उतना अच्छा इस मार्कर से नहीं बन पाया है, तो फिर भी बनाई हूँ, आप लोग देख लीजिए और फिर कैसे होता है। ये जो पंख हो गया और ये पीछे का लेग हो गया, तो पंख आगे का जो पैर था उसका वो किस में मॉडिफाई हो गया, पंख में मॉडिफाई हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही है गाइस, आप लोग नोट्स बनाते जाइए और साइड में आप जो ये भी कुछ फिगर में ड्रॉ करती हूँ उसको भी बनाते जाइए, ताकि क्वेश्चन जो भी टॉपिक आप पढ़िएगा वो चीज समझ में आए। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।